हमने सीखा। पहला, सूचक अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया कर नए पदार्थ बनाते हैं जिसके कारण सूचक के रंग में परिवर्तन होता है। दूसरा, अम्ल की उपस्थिति में नीला लिटमस लाल तथा क्षार की उपस्थिति में लाल लिटमस नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। तीसरा, हम अपने आसपास पाए जाने वाले गुड़हल एवं लाल गुलाब के फूल, लाल पत्ता गोभी, हल्दी, कचनार का फूल आदि का उपयोग भी अम्ल क्षार सूचक के रूप में कर सकते हैं। चौथा, हमारे आसपास कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो अपनी गंध में परिवर्तन द्वारा अम्ल एवं क्षार की सूचना देते हैं। ऐसे सूचकों को घ्राण सूचक ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर कहते हैं, जैसे लौंग का तेल, प्याज तथा वेनिला आदि। पाँचवा, अम्ल और क्षारक धातुओं से अभिक्रिया कर संगत लवण बनाकर हाइड्रोजन गैस विस्थापित करते हैं। छठवां, अम्ल धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाते हैं। सातवां, क्षारक अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया कर लवण और जल का निर्माण करते हैं। आठवां, अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होने पर लवण और जल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। नौवां, अम्ल एवं क्षार के जलीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि वे अपने अवयवी आयनों में विभक्त हो जाते हैं। अम्ल में H+ आयन तथा एक ऋणावेशित आयन तथा क्षार में OH- आयन और एक धनावेशित आयन बनते हैं। दसवां, pH मान द्वारा किसी तनु विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ आयन की मात्रा को 0 से 14 तक के स्केल में व्यक्त किया जाता है। ग्यारहवां, किसी उदासीन विलयन का pH मान 7, अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम तथा क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है। बारहवां, लवण का धनात्मक भाग क्षारक से आता है जिसे क्षारीय मूलक तथा ऋणात्मक भाग अम्ल से आता है जिसे अम्लीय मूलक कहते हैं। तेरहवां, लवण की प्रकृति अम्लीय, क्षारीय या उदासीन हो सकती है। मुख्य बिंदु कीवर्ड्स: प्रतिअम्ल, क्षार, क्षारक, सूचक, घ्राण, गंधीय सूचक, उदासीनीकरण अभिक्रिया, अम्ल वर्षा, अम्लीय मूलक, क्षारीय मूलक।